आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत जेरमोटी के नव निर्वाचित युवा सरपंच थानेश्वर जी गरासिया और उनसे खास मुलाकात, क्योंकि गांव की जनता ने अब की बार युवाओं को मौका दिया है। ज्यादातर पंचायतों में जहाँ भी जा रहे हैं तो युवाओं को मौका मिल रहा है और लोगों ने भी ज्यादातर युवाओं पर भरोसा किया है। तो देखते हैं क्या उनके विचार है, क्या एजेंडे रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। तो थानेश्वर जी, ये है कि आप युवा हैं, ऊर्जावान हैं, तो गांव के लोगों ने आपको मौका भी दे दिया, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मसले रहेंगे, किन लोगों को सुविधाएं देंगे, गांव में कौन कौन सी समस्याएं हैं? एजेंडे वैसे देखे जाए बहुत ज्यादा है, तो आप पहले भी किसी पद पर रहे? पहले तो पद पर नहीं रहा हूँ, पहले फर्स्ट चुनाव लड़ा था और बी ए बी एड की मैंने। मतलब बी एड हो, एम ए बी एड हो? जी जी। तो सबसे पहले शिक्षा की बात करते हैं अपन, तो जेरमोटी पंचायत के अंदर शिक्षा का स्तर अब तक कैसे है और आपके आगे क्या प्रयास रहेंगे? हमारे दो गांव में बहुत शिक्षा के बारे में पिछड़े हुए हैं, कोई रास्ता नहीं जा रहा है, कोई बच्चे पैदल चल के जा रहे हैं। तो हम यहाँ हमारे गांव दो गांव के बीच में यहाँ 12वीं तक स्कूल करने की कोशिश करेंगे और बच्चे दूर नहीं जाए, पैदल चल के नहीं जाए, ये कोशिश करेंगे। जेर यहाँ से कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर बच्चे वहाँ यहाँ से पैदल जाते हैं? पैदल जाते हैं। ये पूरा आपका जो आप ये गांव पूरा प्रयास रहेगा। ये गांव कौन सा है? चीताशाला में दिखे। तो चीताशाला में यहाँ कौन सी क्लास तक है विद्यालय? 8वीं तक है। तो 8 मतलब 8वीं से 12वीं के जो स्टूडेंट है वो जेरमोटी पढ़ने जाते हैं, वो 3-4 किलोमीटर या दूरी पैदल चलते हैं। तो बहुत बड़ी चुनौती है, इसके लिए आपके इसके लिए आप प्रयास? बिल्कुल, हमारा प्रयास रहेगा वो। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा आता है समझ आप, बेरोजगारी। बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसा कि सुनने में आया है कि आपके यहाँ युवाओं का साथ बहुत ज्यादा रहा आपके, तो युवाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? युवाओं के लिए तो रोजगार कुछ न कुछ कोशिश करेंगे, देंगे नए रोजगार सर्जन, नए रोजगार सर्जन करेंगे, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात आती है सरपंच साहब की, इस क्षेत्र के अंदर अपने ज्यादातर किसान लोबी है, किसान वर्ग ज्यादातर है और जो एरिया है वो भी बहुत सीमित है, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है, तो उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? सिंचाई के लिए हम इधर किसान भाई खेती करते हैं, इसलिए पानी की सुविधा हम करेंगे, कहीं मेड़बंदी कर पाएंगे, तालाब कहीं बनवाएंगे, जल सिंचाई करेंगे, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करेंगे। जैसे यहाँ की जल स्तर है तो थोड़ा सा उसी हिसाब से डाउन है, तो उसके लिए आपके प्रयास रहेंगे कि जल स्तर है वो सुधारने का, ऊंचा लाने का, जल स्तर को बढ़ावा देने के लिए चेक डैम है, कुएं है, इनके माध्यम से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करें। तो समझा इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी विकृति है नशा, नशे से क्या लाखों लोगों के घर भी जुड़ चुके हैं आपको पता है, तो उसको रोकने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? नशा को हम बिल्कुल रोकने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से? पूरा प्रयास करेंगे जैसे भी रोक सके हम, समझाइश बुझाइश से के माध्यम से या कमेटी से? समझाइश और कमेटी भी बनाएंगे हम, उसको सुधारने के लिए, सुधार करने के लिए कमेटी बनाएंगे। हाँ, तो सरपंच साहब इसी के साथ एक बड़ा मुद्दा होता है कि अपने इस क्षेत्र के अंदर आप तो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि यहाँ कम उम्र में बच्चों की शादी कर देते हैं, बाल विवाह होते हैं, बहू आए हैं, दो दो औरतों वाला प्रचलन भी यहाँ पे, 3 भी औरतें आती है, दहेज प्रथा का भी यहाँ बहुत ज्यादा है, तो उसे रोकने के लिए भी आपके क्या प्रयास रहेंगे? वो भी हम पूरी कमेटी बनाएंगे, कमेटी में पूरा प्रयास करेंगे हम कि वो भी सब रोक लगाएंगे, ये प्रयास करेंगे। तो समझा कभी ऐसा आपने कभी प्रयास किया पहले? कोई पहले तो प्रयास किया था पर कोई हमारे पास कोई पद नहीं था, कुछ नहीं था, इसलिए हमारा कोई ऐसे माने नहीं। अब आप सरपंच बन गए तो आपको विश्वास है कि अब हमारे गांव की जनता नहीं, अब पूरा पूरा विश्वास है कि हम अब रोक लगाएंगे। बिल्कुल। तो समझा इसी के साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है इस क्षेत्र में, जैसे अपने करप्शन भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आसपास की पंचायतों में आपने नाम सुना होगा कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है, जैसे पंचायती राज का नाम लेते हैं तो भ्रष्टाचार पहले नाम आ जाता है, तो उसे रोकने के लिए आपके क्या प्रभावी कदम रहेंगे? भ्रष्टाचार तो वो भी कमेटी में हम बैठ के ने कमेटी बनाएंगे, इसमें वो भ्रष्टाचार भी रोकेंगे। बिल्कुल, भ्रष्टाचार रोकने का भरसक प्रयास करेंगे। तो यहाँ सरपंच साहब अपने जेरमोटी में कितने गाँव आ रहे हैं अभी? 5 गाँव आ रहे। कौन कौन से? बोडाबरा, जेरमोटी, जेरसोटी, चीताशाला, मेंदीखेड़। तो सबसे ज्यादा समस्या कौन से क्षेत्र की? ये दो गांव में ही, चीताशाला, मेंदीखेड़ा, दो गांव में ज्यादा समस्या है।
पेयजल के लिए क्या व्यवस्था है अभी? पेयजल के लिए तो कोई नहीं, कुएं हैं दूर दूर नालों में, ये है तो पेयजल सुविधाओं का भी अभाव है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सर साहब, गांव की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? गांव की जनता को तो बस अब सरपंच बने तो विकास पूरी पूरी कोशिश करेंगे, हम जल की सुविधा करेंगे, रोडों की रास्ता की व्यवस्था करेंगे, शिक्षा के बारे में भी बढ़ावा देंगे। वैसे तो अब देखा जाए तो समझ आ, वैसे चुनौतियाँ चुनौतियाँ हैं आपके सामने, लेकिन 5 साल में आप क्या करवा पाते हैं ये तो अब समय ही बताएगा। धन्यवाद समझ साहब, आप इंडियो जो हमें इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।